चौपल। बाल चौपल। बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ मैं हूं आपका हैदर भैया। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी जिसका नाम है चतुरी का दाव। इस कहानी को लिखा है डॉक्टर गजेंद्र नामदेव जी ने, जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोंपल से। तो प्यारे बच्चों सुनिए कहानी चतुरी का दाव। सदापुर गांव में आज बहुत चहल पहल थी। हो भी क्यों ना, अरे भाई आज चतुरी नाई और सुजानपुर गांव के सलकू पहलवान के बीच कुश्ती का मुकाबला जो है। कुछ लोग समूह में खड़े चर्चा कर रहे थे, चतुरी तो बावला हो गया है, कहां सलकू पहलवान और कहां ये पिद्दी, दो चार हड्डियां ना तोड़ा बैठे। तभी किसी ने चतुरी का पक्ष लेकर कहा, अरे भाई तुम क्या जानो चतुरी की चतुराई, उसने शर्त लगाई है तो जीतेगा भी वही, भले ही वो पिद्दी हो। कुछ लोग इस बात पर हंस पड़े। हुआ यूं कि चारों तरफ सलकू पहलवान की कुश्ती की चर्चा थी, उसने अच्छे अच्छे पहलवानों को धूल चटा दी थी। सदापुर गांव में चतुरी नाई की दुकान पर भी यही चर्चा चल रही थी। बिलसा कह रहा था, अब की तो अपने गांव के भीमू पहलवान का नंबर है, देखना सलकू ही भारी पड़ेगा। चतुरी बड़ी देर से सारी बातें सुन रहा था, अब तक वह चुप था। जब उससे ना रहा गया तो उस तरह तेज करते हुए बोला, अरे सलकू की क्या बिसात जो भीमू दादा को हराए, उसे तो मैं ही चारों खाने चित कर दूंगा। चतुरी की बात सुन हलवाई रामू काका कह उठे, अरे चतुरी तूने सलकू पहलवान को हरा दिया तो मिठाई मैं खिलाऊंगा मुफ्त में, लेकिन अपनी हड्डी पसली बचा के रहियो। बात उड़ते उड़ते सलकू पहलवान तक जा पहुंची। सलकू के चेलों ने उसे भड़काया, अरे उस्ताद सदापुर गांव के भीमू पहलवान की तो औकात नहीं, और ये पिद्दी कहता है कि मैं उस्ताद को पटखनी दूंगा, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर क्या था, सदापुर गांव की चौपाल के पास ही कुश्ती के लिए अखाड़ा तैयार किया गया। आसपास के गांव वालों ने भी सुना तो सब चौंक पड़े, लेकिन सबने चतुरी की चतुराई के किस्से भी खूब सुने थे। शर्त लगाकर जीतना तो उसकी आदत बन चुकी थी, लेकिन इस बार बात अलग थी। निश्चित दिन सुबह से ही भीड़ जमा हो चली थी, मामला रोमांचक था, बस जैसे मेला ही लग गया हो। खिलौने गुब्बारे मिठाई वालों की तो खूब बनाई थी। जैसे ही गांव के मुखिया मलखान सिंह, गोपम पंडित तथा अन्य सम्मानित लोग चौपाल पर पहुंचे, कुश्ती का ऐलान कर दिया गया। एक तरफ भारी भरकम सलकू पहलवान और दूसरी तरफ चतुरी। जैसे ही सलकू पहलवान ने अखाड़े की मिट्टी को छूकर प्रणाम किया, सलकू जिंदाबाद की आवाज गूंज उठी। चतुरी ने भी अखाड़े की मिट्टी माथे पर लगाई तो गांव के बच्चे बूढ़े चिल्ला उठे, जीतेगा भाई जीतेगा, चतुरी भैया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, चतुरी भैया जीतेगा। भीमू पहलवान ने चतुरी और सलकू पहलवान के हाथ मिलवाए, मुकाबला शुरू हुआ। थोड़ी इधर उधर की कूद फाद सी हुई, दोनों पैतरे पर पैतरे बदल रहे थे। आखिर चतुरी ने भी अखाड़े की मिट्टी शरीर पर तो लगाई ही थी, भीमू ने भी उसे कुछ दांव पे सिखाए थे, लेकिन चतुरी कब तक टिकता। सलकू ने उसे बगलों के नीचे हाथ डालकर पकड़ बनाई, वैसी ही पकड़ चतुरी ने भी बना डाली। अब दोनों के सिर एक दूसरे के कंधों पर थे। चतुरी ने मौका ताड़ा, वह सलकू से बोला, उस्ताद मैं तो तुमसे यूं ही हार जाऊंगा, तुमसे हारना भी मेरे लिए बड़ी बात है, लेकिन अभी अपना सर बचाओ, अचानक कहीं से मधुमक्खी का झुंड मेरे सिर पर आ गया है, तुरंत ही झुक जाओ वरना ये हमें नहीं छोड़ेगी। इतना सुनते ही सलकू ने पकड़ ढीली कर दी, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, उसने झट से अपना सिर नीचे की तरफ किया। चतुरी तो बस इसी के इंतजार में था, उसने तुरंत दाव बदलकर सलकू को धूल चटा दी। सलकू चारों खाने चित, चतुरी उछल पड़ा, लोग खुशी से झूम उठे, जीत गया भाई जीत गया, चतुरी पहलवान जीत गया। उधर सलकू हक्का बक्का रह गया,
उसने लाख सफाई देनी चाही, लेकिन भरी भीड़ के सामने चतुरी ने उसे पटखनी दे दी थी। हुआ यूं कि चतुरी को कहीं से पता चल गया था कि सलकू पहलवान बचपन से ही मधुमक्खियों से बहुत डरता है। बस उसने अपनी चतुराई से अपना दाव चल दिया और जीत गया। लोगों ने चतुरी को कंधे पर उठा लिया। रामू काका ने मिठाई बांटी। एक बार फिर चतुरी ने अपनी चतुराई से शर्त जीत ली थी। तो बच्चों, ये थी कहानी चतुरी का दाव, जिसे आप सुन रहे थे सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में। इस कहानी को लिखा था डॉक्टर गजेंद्र नामदेव जी ने, जिसे हमने लिया था बाल पत्रिका कोम्पल से। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। और अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahakarradio.com देखें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी अपने हैदर भैया को। बाय बाय बच्चों। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियां।